नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। बच्चे हर घर की जान होते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूब पढ़े लिखें, खूब तरक्की करें, जिंदगी में खूब उन्नति करें और हर वो मकाम पे पहुँचें जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं या जहाँ पर हम अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। और आज के ज़माने में जब हर किसी के पास केवल एक या दो बच्चे होते हैं तो हर इंसान यही चाहता है कि हम अपने बच्चों को बहुत ही ऊँचे मकाम पर पहुँचाएँ, अपने सारे सपने हमारे बच्चे पूरे करें और हर वो चीज़ पा सकें जो वो ज़िंदगी में पाना चाहते हैं या जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं। इसके लिए हम अपनी सारी पूंजी, सारी इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों पर लगा देते हैं, अपना सारा टाइम उन पर लगा देते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे की बुद्धि उतनी तेज़ नहीं है कि वो चीज़ों को समझ पाए, कैच कर पाए, तो इसके लिए मैं आपको आज एक बहुत ही सरल उपाय बताऊंगी जिसे कि बुधवार को आपको करना है। इसे करना बहुत ही आसान होता है और इस उपाय को करने से बच्चे की बुद्धि 100% तेज होती ही है। तो आपको करना क्या है, बुधवार के दिन, बुधवार का दिन जो होता है वो भगवान गणेश जी का दिन होता है। गणेश भगवान बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि के देवता होते हैं। उनकी कृपा रहती है तो हमारे बच्चों पर सुख समृद्धि बनी रहती है और उनकी बुद्धि बहुत तेज हो जाती है। तो आपको करना क्या है कि बुधवार के दिन अगर हो सके तो बच्चे को भी साथ ले लीजिए और अगर ना हो सके तो कोई बात नहीं, आप अकेले ही गणेश जी के मंदिर में जाएं। गणेश जी के मंदिर में जाएं, वहाँ पे पूरा विधिवत पूजा करें, भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। इसके साथ साथ आपको भगवान गणेश को 5 लड्डू चढ़ाने, 5 मोतीचूर के लड्डू भगवान गणेश को चढ़ाएं और उसमें से 4 लड्डू आप वहीं पर आसपास बच्चों को या अपने घर के आसपास किसी भी बच्चों को बांट दें और बचा हुआ 1 लड्डू आप अपने बच्चे को, जिसको आप चाहते हैं कि वो पढ़ने पे कॉन्सेंट्रेट करे या जिसको आप चाहते हैं कि जिसकी बुद्धि तेज हो जाए, उस बच्चे को खिला दें। ऐसा करने से आपके बच्चे की बुद्धि तेज होती है, उसमें स्मरण शक्ति बढ़ती है और जीवन में वो बहुत तरक्की करता है। भगवान गणेश की कृपा बनी रहने से हमारे जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि बुद्धि के देवता हैं, उनकी कृपा से हमें सब कुछ मिलता है। तो केवल भगवान गणेश के मंदिर में जाएँ, पूजा करें, उनको लड्डू चढ़ाएँ और उन्हीं लड्डुओं को अपने बच्चों को खिलाएं। ऐसा करने से आपके बच्चे की बुद्धि तेज होगी और वो ज़िंदगी में बहुत बहुत तरक्की करेगा। ये ज़रूर करके देखें। ये कम से कम आपको 5 वेडनेसडे को, 5 बुधवार को करना है। आप सुबह या शाम किसी भी टाइम ये काम कर सकते हैं, जिस वक्त भी आपको समय मिले। इसके लिए कोई बंधा हुआ टाइम नहीं है, ये कोई टोना या कोई टोटका नहीं है, ये केवल भगवान गणेश की एक पूजा है जो कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा करने से हमारे बच्चों की, हमारी बुद्धि भी तेज़ होती है। अगर आप खुद भी वो लड्डू खाना चाहें तो वो आप लड्डू खुद भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को खिलाना या बच्चों में ही बांटना ज़रूरी है। तो ये शास्त्र प्रमाणित एक उपाय है जो कि मुझे मिला था, तो मुझे लगा कि मुझे लोगों को ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में हमारे बच्चों के पास इतना कुछ है, टीवी है, फ़ोन है, मैगजीन्स हैं, टैबलेट्स हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है, वो अपने दिमाग, अपना बुद्धि जो है किताब कॉपी से ज़्यादा इन सब चीज़ों पर लगाते हैं। तो उनकी बुद्धि जो है, ये हमारे वैज्ञानिक लोगों ने भी बताया है कि अगर 1 घंटे से ज़्यादा बच्चा टीवी या फ़ोन देखता है तो उसका दिमाग उसी तरह ज़्यादा लगने लगता है जिस चीज़ को वो देख रहा है। तो बच्चों की बुद्धि को वहाँ से हटाकर कॉपी किताब में लगाने के लिए, बढ़ाने के लिए, ये एक बहुत ही सरल उपाय है जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो इस उपाय को ज़रूर करके देखें, 5 बुधवार को, आपको फ़र्क स्वयं नज़र आएगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।